जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला में जारी ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप संपन्न हो गया है, जिसमें देश भर के लगभग 1000 कैडेट्स ने भाग लिया। ये कैंप दो चरणों में चला, जहां पहला चरण 3 जून से शुरू हुआ था, वहीं दूसरा चरण 14 से 23 जून तक चला। इस ट्रैकिंग में कुल 85 किलोमीटर के ट्रैक के दौरान कैडेट्स को ट्रेनिंग भी दी गई। ट्रैक में बैजनाथ पपरोला के आसपास के स्थानों में तांशी जोंग, महाकाल मंदिर, बैजनाथ शिव मंदिर, चामुंडा मंदिर, भट्टू संसार और बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग साइट निर्धारित की गई थी। यहां पहुंचे कैडेट्स ने भी इस ट्रैकिंग का खूब लुत्फ उठाया। वहां चंडीगढ़ से हूं और मेरा नाम इज कीर्ति एंड वैसे कॉलेज में केएम कीर्ति एंड कैडेट्स। यहाँ पे पहाड़ और हर जगह है, हरे हरे सारे ग्रीन से सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अनुभव किया यहाँ सर? सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग बनने के लिए हर एक चीज़ की लड़की गर्ल भी स्ट्रांग है और सबसे ज़्यादा होती हैं और ये सब। एनसीसी में क्या सीखा आपने यहाँ? एनसीसी में अनुशासनता और आगे बढ़ना है। हिमाचल में ट्रैक के लिए आए हो, कैसा अनुभव कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगा हिमाचल आपको? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा। या एनसीसी में आए हो, कैसा अनुभव फील? बहुत अच्छा फील। बताइए आप कैसा कैसा लगा हिमाचल में? बहुत अच्छी अच्छी जगह है, यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है, सब चीज़ें। एनसीसी में क्या सीखा आपने? एनसीसी में डिसिप्लिन सीखा और यूनिटी और भी बहुत कुछ और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। न्यू एक्सपीरियंस है, वी आर ट्रैकिंग एंड कॉन्फिडेंट बन रहे हैं अपने आप में एंड स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। बीइंग गर्ल्स वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर, क्योंकि बहुत कम लड़कियों को मौका मिलता है खुद जाकर ऐसी स्टेट में आके पहाड़ों पे चढ़ना उतरना एंड लगातार ट्रैकिंग करना।